आओ, इतने दिन बाद हॉस्टल जा रहे हो, कैसा लगा भाई? प्लेटफॉर्म क्रमांक 2। तो गाइस ये रहा मेरा हॉस्टल। हेलो गाइस, दिस माय अनदर व्लॉग। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल। तो गाइस आप सोच रहे होंगे दिल्ली हॉस्टल जाने कैसे प्लान बन गया। तो गाइस हुआ क्या कि हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में एक नोटिस आया कि आप लोग का इस साल एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, आप लोग को ऑफलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से हम लोग को हॉस्टल जाना पड़ेगा। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं हॉस्टल। और उससे पहले एक काम और है गाइस, आप ये देख रहे हैं कपड़े से जल्दी से पैक करने हैं, नहीं तो मेरी मम्मी दिमाग ख़राब कर देगी। कह रही है कि जल्दी सामान पैक कर लो नहीं तो लेट हो जाओगे। तो गाइस इससे पहले अपना सामान पैक करते हैं। तो गाइस सामान पैक हो गया है, अब जल्दी से मैं तैयार हूँ क्योंकि गाइस थोड़ी देर में हमारा ट्रेन है। तो जल्दी से मैं तैयार हूँगा और निकलते फिर स्टेशन के लिए। तो गाइस मैं जाने के लिए रेडी हो गया हूँ, अब गाइस जल्दी चलते नहीं तो लेट हो जाएगा। तो गाइस मैं वाराणसी स्टेशन पहुंच गया हूं, आप देख सकते हो। तो अभी चलता हूं, जल्दी देखता हूं कि मेरा अभी ट्रेन तो टाइमिंग लगने वाला है क्योंकि साढ़े मतलब 12 बजे तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग जाएगा। तो अभी चलते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन लगा हुआ मेरा। गाइस मैं स्टेशन पे आ गया हूँ और मेरे साथ मेरे दोस्त भी आ गए, रोहित भाई और मुकेश भाई, ये तो बनारस के हैं। तो आप इतने दिन बाद हॉस्टल जा रहे हो, कैसा लगा भाई? प्लेटफॉर्म क्रमांक 2। तो चलते कितने नंबर प्लेटफॉर्म टिकट लगा हुआ है? 9 नंबर पे है, बेगमपुरा जम्मू। चलते हैं फिर, मिलते गाइस। 12237 गाइस प्लेटफॉर्म नंबर 9 लगा हुआ है। इधर भी जम्मू तभी, दोनों ट्रेन एक साथ में ही है। गाइस ये रहा मैं केविन और ये मेरा सीट नंबर 16। अच्छा है, सारी चीज़ें हैं। विंडो खोलता हूँ, बाहर के व्यू देखते हैं कैसा लगता है। तो गाइस हमारे फ्रेंड लोग का दूसरे बोगी में टिकट है लेकिन अभी हमें कुछ पता नहीं है कि वो लोग बोगी में, तो मैं उन लोग को ढूंढ रहा हूँ। तो मिल जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, चलते हैं उन लोग पास में। ये रोहित भाई सीट, ये मुकेश भाई सीट और हमारा सीट दूसरे बोगी में है। तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन मजा तो यहीं पे भाई। मुझे पहले टिकट मिलना चाहिए दोनों साथ में, लेकिन कोई बात नहीं, इन्हीं लोग टाइम साथ में सुन। गाइस बनारस से ट्रेन निकल चुका है, अब मैं जो वीडियो शूट किया हूँ उसे थोड़ा एडिट करूँगा और थोड़ा सोऊंगा जिससे कि हमारा सफर थोड़ा जल्दी कटे। तो गाइस लगातार सीट बैठे बैठे ना हालत खराब जा रहा है, चलते हैं डोर पे थोड़ा देखते हैं थोड़ा अच्छा फील आए। गाइस हम लोग लखनऊ पहुंच गए हैं और मैं अपने फ्रेंड लोग ढूंढ रहा हूं कि वो लोग कहां हैं। तो जल्दी चलते हैं उन लोग पास, वो लोग पीछे सीट था तो उन लोग पास चलते हैं हम लोग। तो भाई मिल गए हमें, रोहित भाई कहां हैं? रोहित भाई चले गए। कहां? वो बोले थे ना मिशन पे। मिशन
तो मुकेश भाई नवाबों शहर में आके थोड़ा नवाबी दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? ओला चलेंगे या बस चलेंगे? जिससे कहिए आप उससे चलेंगे। हम लोग नवाब नहीं है लेकिन नवाबी करेंगे थोड़ा सा। अभी जा रहे हैं हम लोग, ऑटो जाएंगे हम लोग, उतना हम लोग पास पैसे है नहीं क्योंकि हम लोग इतना नवाबी दिखाए, तो ऑटो पहले ढूंढते हैं कि ऑटो कोई सस्ता वाला मिल जाए क्योंकि यहाँ पे लुटेरे बहुत है। चलिए चलिए रोहित भाई, 350 रुपये ले लेंगे क्योंकि हम लोग का जाना सिर्फ 35 में पहुँच जाते हम लोग हैं। तो हमारे रोहित भाई गए हैं अपने फ्रेंड से मिलने, वो हमसे मिले भी ना चले गए क्योंकि उनको इतना जल्दी था। तो अभी हम लोग को दोनों लोग साथ ही चलना पड़ेगा, वो आएंगे अपने फ्रेंड से मिलके थोड़ा लेट में, तब तो हम लोग कॉलेज के लिए निकलना ही पड़ेगा। तो गाइस हम लोग ऑटो रिजर्व नहीं करेंगे, हम लोग ऑटो चेंज के जाएंगे जिससे हम लोग थोड़ा पैसे बचेगा। तो अभी देख रहा हूँ कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज से कोई ऑटो मिल जाए, तो इंजीनियरिंग कॉलेज से ऑटो मिल जाएगा तो फिर उसी डायरेक्ट चलेंगे। तो गाइस हम लोग हॉस्टल पहुँच गए हैं, ये हमारा हॉस्टल। गाइस हॉस्टल के अंदर एंट्री करते ही पुराने जो यादें थे, जो मेमोरी थी, फिर से ताजा हो गए और माहौल बिल्कुल बदला बदला लग रहा है मुकेश भाई यहाँ पर यार। हमारा प्रधानाचार्य जी का आवास इधर ही है और हम लोग हॉस्टल आगे है। ये हम लोग का ग्राउंड है लेकिन अभी अंधेरा है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है, जो कि मैं सुबह दिखाऊंगा। इधर हमारा कॉलेज और इधर हमारा हॉस्टल और मेस छात्रावास, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे टाइम अपने इन्वेस्ट किए हैं। और ये मेरा बिल्डिंग और चपरासी और ये दो रैंडम बंदे जो अभी हम लोग को लेने आए थे, तो अभी एंट्री करते हैं हम लोग। चलते भाई पटेल भाई की टिकट कैंसिल हुआ इसको जैसे मेरे से नहीं बुलाया। और ये हमारा मेस अभी डिनर कर रहा है और ये मेरे चुरसिया भाई और मेरे श्याम भाई और ये लोग घर से आए यहाँ फ्री वाई फाई चलाने ये लोग का मेन मकसद यही है कि कॉलेज जाना और फ्री वाई फाई चलाना है। ये लोग का टारगेट लग रहा ना, ये लोग टारगेट लेकर आए थे कि फ्री वाई फाई चलाना है बस। ये देखो ये देखो काला लड़का भी है, लेटर ने बंद किया। तो गाइस ये मेरे जूनियर डोमेट्री है जो फर्स्ट बैच में आए हैं और अभी जो इन लोगों से जो सीनियर हैं वो इन लोगों को डोमेट्री ये है, और जो सबसे सीनियर है जो कि हम लोग हैं सबसे सीनियर यहाँ पे, तो हम लोग डोमेट्री इनसे ऊपर है। तो गाइस चलते हैं अपने डोमेट्री में। तो गाइस काफ़ी अंधेरा है, ये मेरा डोमेट्री है क्योंकि सभी सो गए हैं। तो गाइस काफ़ी टाइम तक मैं हॉस्टल में आया कवर खुलने जा रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया इसे खोलने में, तो देखते हैं कैसा अंदर से फिलहाल तो भी ठीक है। लेकिन आप देख लो कि हॉस्टल लाइफ में कितना काम करना पड़ता है, खुद पेट लगाना पड़ता है और काम तो से करने पड़ते हैं। तो बेडशीट पुराना ठीक है दीदी, कुछ दिन के बाद चल जाएगा। हॉस्टल में आ गए हैं, सारा काम आपको खुद से करना पड़ेगा। तो अभी कल काउंटर सही करूंगा, अभी फिलहाल मेरी बहुत थका हूँ, जल्दी किया हो तो अभी मैं सोऊंगा